अप्रैल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में आप पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एट वर्क प्लेस, जिसमें कि पहला सेशन है डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ। सेशन ऑब्जेक्टिव्स, इस सेशन में आप क्या क्या सीखेंगे? इस सेशन में आप सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ एंड यू लर्न अबाउट वेल एडजस्टेड पीपल। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन, एक काम करने वाला हाथ यह भूल जाता है कि वह कार्यस्थल के लिए एक निर्विवाद व्यक्ति दायित्व है, जहां लगभग 25-30% समय व्यतीत होता है। एक त्वरित प्रतिक्रिया हमारी सोच और दौरा करती है कि कार्यस्थलों के प्रभार जैसे कि नियोक्ता या प्रबंधन देखभालकर्ता के द्वारा कार्यस्थलों को पूरी तरह से या कम से कम प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाए। आम आदमियों को लगता है जिसमें हम में से अधिकांश शामिल हैं कि हम पहले से ही घरों में या निजी स्थानों पर अत्यधिक बोझ या व्यस्त देखभाल कर रहे हैं, और अगर हम कार्यस्थलों की व्यक्तिगत देखभाल भी करते हैं तो हम बहुत अधिक काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यक्तिगत स्वच्छता और कार्यस्थल पर स्वच्छता है, जहां कोई भी स्वयं की मदद नहीं करना चाहता या कर सकता है। औद्योगिक स्वच्छता और कल्याण भी वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन का प्रमुख कर्तव्य है, और वे सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थलों को बनाए रखने का पूरा प्रभाव लेने के लिए कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध भी हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, पर्यावरण, स्थानीय समुदाय, समाज के लिए कोई भी बुरा प्रभाव, प्रक्रिया, संचालन, उद्योग की स्थापना से उत्पन्न संबंधित प्रबंधन द्वारा रोका जाएगा। लेकिन जब यह व्यक्तिगत स्वच्छता की बात आती है, स्वच्छता हम सभी को पूर्ण उपयोगों में से सहयोग और योगदान देना चाहिए। उद्देश्य फिट और स्वस्थ रहना है कार्यस्थलों पर और हर दूसरे स्थान पर। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व कार्यस्थल पर अत्यंत सहित। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन एट मोस्ट इंक्लूडिंग एट वर्क प्लेसेस। स्वच्छता संक्रमण और बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का अभ्यास है। स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से स्वच्छ पेयजल और सीवेज के उचित निपटान की व्यवस्था है। गंदे, अस्पष्ट जल और मलमूत्र को पूरी तरह से सीवरों से उपचार स्थानों तक पहुंचाया जाना चाहिए। किसी भी मामले में उन्हें बाहर फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण और बीमार स्वास्थ्य फैलाता है। यह रहने, काम करने और किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य का मुद्दा है। सभी जगहों पर स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है, और इसके लिए हमें
प्रयास करना चाहिए। काम पर अधिक समय बिताना हमें उचित स्वच्छता का पालन करने के लिए और अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि कीटाणु और संक्रमण फैलाने के लिए अधिक लोग हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। कुछ सामान्य सहायक उपाय, अ फ्यू कॉमन हेल्पफुल मेजर्स। नियोक्ता द्वारा स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है, और विशिष्ट मामलों में कर्मचारी उनके पास अपनी बोतल रख सकते हैं। शौचालय और वॉशरूम में नियोक्ता अच्छी सफाई सामग्री प्रदान कर सकते हैं। उदा हाथ प्रक्षालन, उदकता आदि साझा सुविधाओं को बनाए रखने और उपयोग करने के लिए स्पष्ट रूप से नियम निर्धारित होने चाहिए। नियोक्ता नियमित कीट निर्माण नियंत्रण गतिविधियों की व्यवस्था करने के लिए हैं। बीमार कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि इससे अन्य कर्मचारी खतरे में पड़ सकते हैं। वैधानिक रूप से भी ऐसे कर्मचारियों को संगरोध यानी कि क्वारंटाइन अवकाश के तहत रखने का प्रावधान है। कर्मचारी अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए हैं, जैसे कि दैनिक स्नान द्वारा स्वच्छ और गंध रहित शरीर बनाए रखना, स्वच्छ कपड़े पहनना, सादा और स्वस्थ भोजन लेना, स्वच्छ नाखून बनाए रखना, सांसों की बदबू को रोकना, दंत स्वास्थ्य बनाए रखना, शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, छींकना, स्पर्श करना, कुछ भी गंदा, कार्य केंद्र को साफ रखते हुए इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। कार्यस्थल रोगाणुओं का एक कारण बन सकता है, जो इसे हानिकारक स्वास्थ्य परिणामों के लिए अति संवेदनशील बनाता है। यदि उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता उपायों का पालन नहीं किया जाता है, यह आसपास काम करने वाले लोगों को सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी यह बदतर है कि यह लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है। हानिकारक रोगाणुओं की बोर्ड, सिंक और डोर हैंडल, डिस्पेंसर, कंप्यूटर, चूहों, डेस्क फोन आदि पर मौजूद हो सकते हैं। डेस्क क्षेत्र को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग करें। माइक्रोबियल विकास में सहायता के रूप में लंबे समय तक किसी भी खाद्य पदार्थों को ना छोड़ें। ये सरल उपाय तिभी लगते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में काफ़ी मददगार करते हैं। बिगड़ते पर्यावरण, फास्ट फूड, जीवन शैली, कुपोषण, विशेष रूप से विकासशील दुनिया में ये महत्व को बढ़ाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कारक, फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भर करता है। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। फिजिकल वेलबींग, तंदुरुस्ता की परिभाषा, शारीरिक भलाई में शारीरिक गतिविधियों को करने के और सामाजिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता होती है, जो शारीरिक सीमाओं और शारीरिक दर्द को जैविक स्वास्थ्य संकेतकों के अनुभवों से
बाधित नहीं होता है। जेनेटिक कारक। एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के जीनों के साथ पैदा होता है। कुछ लोगों में एक असामान्य आनुवंशिक पैटर्न या परिवर्तन से स्वास्थ्य की तुलना में कम स्तर हो सकता है, और लोग अपने माता पिता से जीन प्राप्त करते हैं जो कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उनके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण कारक। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्यावरणीय कारक स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं कि कभी कभी अकेले पर्यावरण स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी बार एक पर्यावरणीय ट्रिगर एक ऐसे व्यक्ति में बीमारी का कारण बन सकता है जिसे किसी विशेष बीमारी का अनुवांशिक जोखिम हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन WHO का सुझाव है कि निम्न कारकों का स्वास्थ्य पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ एक व्यक्ति रहता है, आसपास के वातावरण की स्थिति, अनुवांशिकी, उनकी आय, उनकी शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति। इट इज़ पॉसिबल टू कैटेगराइज दीज एज फॉलोज। सामाजिक और आर्थिक वातावरण, द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इनमें परिवार या समुदाय की वित्तीय स्थिति, साथ ही सामाजिक संस्कृति और रिश्तों की गुणवत्ता शामिल होती है। भौतिक पर्यावरण वातावरण, द फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें शामिल है कि कौन से रोगाणु एक क्षेत्र में मौजूद हैं, साथ ही एक प्रदूषण का स्तर भी। किसी व्यक्ति की विशेषताएं और व्यवहार। एनवायरमेंटल फैक्टर्स। किसी व्यक्ति के अनुवांशिक मेकअप और जीवन शैली के विकल्प उनके समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक रूप से, मेंटली एंड इमोशनली। मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य अच्छे और बुरे समय के दौरान केंद्रित, लचीले और रचनात्मक होते हैं, क्योंकि वे लचीला व्यक्ति हो सकता है जो अपनी भावनाओं को पहचान और उचित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वे अपने परिजनों के मजबूत समर्थन नेटवर्क को बनाए रखते हुए अवसाद और चिंता से उत्पन्न नकारात्मक मनोदशा से बचते हैं, जिन्हें वे प्रोत्साहन पर निर्भर कर सकते हैं। समस्याओं के दौरान उनके पास आगे बढ़ने और कदम उठाने के साथ साथ खुद को फिर से संगठित करने की विशेषताएं भी होती हैं। सांस्कृतिक मुद्दे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। एक समाज की परंपराएं और रीति रिवाज और उन पर परिवार की प्रतिक्रिया का स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सेवन कंट्रीज स्टडी के अनुसार शोधकर्ताओं ने चुनिंदा यूरोपीय देशों में लोगों पर अध्ययन किया और पाया कि लोग एक स्वास्थ्य आहार खाते हैं, उनकी मृत्यु दर 20 साल कम थी। अध्ययन में ने संकेत किया कि जो लोग एक स्वास्थ्य आहार खाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में उच्च स्तर के फलों, सब्जियों और जैतून का सेवन करते हैं जो नियमित रूप से फास्ट फूड का सेवन करते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि भूमध्य सागरीय आहार का पालन करने वाले लोगों में मृत्यु दर कम होने का कारण 10 वर्ष था। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के अनुसार यह आहार किसी व्यक्ति के दिल की रक्षा करने में मदद करता है और कई बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है।
जिसके टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर और मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के टूटने की बीमारियां शामिल हैं। तनाव का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगा? यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं या तनावपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए अवैध ड्रग्स लेते हैं, वे एक स्वास्थ्यप्रद आहार, विश्राम तकनीक और व्यायाम के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करने वाले लोगों की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं को विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। कैटेगराइज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड मैन पर्सन। एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति हर नई स्थिति को एक चुनौती के रूप में मानता है और बुद्धिमत्ता, साहस और ज्ञान के साथ पूरा करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होता है, खुद का और दूसरों का सम्मान करता है, आकांक्षा का पर्याप्त स्तर होता है, बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि, अनुपस्थिति, दोषपूर्ण खोज रवैया, व्यवहार में लचीलापन, विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता, दुनिया की एक यथार्थवादी धारणा, जीवन का एक संतुलित दर्शन। बोलचाल की भाषा में अच्छी तरह से समायोजित किया जाना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो उचित है और जिसका निर्णय अच्छा है। एक अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार करेगा, लेकिन सक्रिय रूप से दोषों की खोज नहीं करेगा। एक स्वास्थ्य और अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति को कुछ अवलोकन योग्य व्यवहार पैटर्न रखने प्रदर्शित करने सही करने चाहिए। ये व्यवहारिक पैटर्न किसी व्यक्ति की सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार होने चाहिए। ये पैटर्न इस प्रकार हैं: भावनात्मक संतुलन, गर्म और अन्य की ओर समझ, नियमित घटनाओं के कारण तनाव से मुक्त, निर्णय लेने में स्वतंत्र। कॉमन डेंजर्स सिग्नल्स ऑफ माल एडजस्टमेंट। कुपोषण के कारणों को कई प्रकार के कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें शामिल है पारिवारिक वातावरण, व्यक्तिगत कारक और स्कूल से संबंधित कारक। माल एडजस्टमेंट एक व्यक्ति के विकास और दूसरों के साथ एक सकारात्मक पारस्परिक संबंध बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। साइकोल समाज की मांगों को पूरा करने के में असफलता जैसे समस्याओं और सामाजिक संबंधों का सामना करना, आमतौर पर भावनात्मक अस्थिरता में परिलक्षित होता है। दोषपूर्ण या बुरा समायोजन, खतरे के संकेत और जटिलताओं का विश्लेषण इस प्रकार है: अपेक्षित फिट आना, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सरदर्द होना, बुखार और विस्तार से बाहर निकलने के लिए बहुत कमजोर होना, गंभीर पेट दर्द होना, तेज या मुश्किल सांस लेना। कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट। मनोवैज्ञानिक कारण, माता पिता की मनोवैज्ञानिक अस्थिरता उनके ऑफस्प्रिंग बच्चों के विकृत व्यवहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। यदि माता पिता की अति अधिकारी हैं, अत्यधिक अधिकारिक, उनकी अपेक्षाओं में अवास्तविक, असंगत,
अपमानजनक और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो उनके बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तिगत कारण, यह देखा गया है कि शारीरिक, मानसिक और नेत्रहीन विकलांग व्यक्ति स्थिति पर असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। आंशिक रूप से कमी वाले बच्चे, जैसे कि दोषपूर्ण दृष्टि, खराब सुनाई देना और बिगड़ता हुआ भाषण, सामान्य परिस्थितियों में समायोजित करना मुश्किल कर देता है। जब वे अपने साथियों की तुलना में एकेडमिक रूप से अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उनमें हीन भावना पैदा हो सकती है। स्कूल से संबंधित कारक, बच्चे लगभग 7 घंटे स्कूल में बिताते हैं। जब बढ़ते बच्चों को स्कूल में उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा की को प्रसारित करने की तरीके और साधन नहीं मिलते हैं तो वे कुरूप व्यवहार में प्रदर्शन करते हैं। शिक्षकों सहित स्कूल के अधिकारियों को बढ़ते बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रम और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षक के असंतुलित व्यक्तित्व का बच्चे के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक छात्रों के साथ अनुचित पक्षपातपूर्ण या शामिल नहीं है तो यह निश्चित रूप से स्कूल में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पीयर ग्रुप संबंधित कारण, एक और महत्वपूर्ण कारक जो छात्रों के मनोसंतुलन को परेशान करता है, उनका सहकर्मी समूह है के रूप में एक साथ एक अस्वस्थकर संबंध है। आमतौर पर छात्र बचपन और किशोरावस्था के दौरान अपने सहकर्मी समूह के से मान्यता के लिए ईमानदारी से पूछते हैं। हालांकि सहकर्मी समूह के बीच लोकप्रियता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अच्छा लग रहा है, एथलेटिक क्षमताएं, सामाजिक वर्ग, शैक्षणिक प्रदर्शन और विशेष प्रतिभाएं। यदि छात्र में इन गुणों का अभाव है तो वह अपने सहकर्मी समूह के बीच स्थिति प्राप्त करने में विफल हो सकता है और निराश और विकृत हो सकता है। इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा? इसमें हमने सीखा कि हेल्थ और हाइजीन किस प्रकार इम्पोर्टेंट है और फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पीपल। अगले सेशन में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एट वर्क प्लेस के बारे में। धन्यवाद।